अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़रीन ग्रामी में उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। हकीकत टीवी ऑफिशियल के एक और वीडियो में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, अशरफ गनी ने खतरनाक किस्म का हमला करके तकरीबन एक ही रात और एक ही दिन में 572 अफगानिस्तान तालिबान को शहीद कर दिया है। अशरफ गनी के इस हमले में अमरीका और भारत भी मुलव्वस हैं, क्योंकि अमरीकी जहाज जाकर 22 हमले करके अफगानिस्तान तालिबान पर लौटे हैं। फिर अमरीकी B-52 बम्बर पाकिस्तान एयर स्पेस को इस्तेमाल करके एक ही रात में जाकर अफगानिस्तान के अंदर 4 शहर तबाह करके आए हैं। और याद रहे, ये 4 शहर अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में थे और 220 तालिबानों को शहीद करने का दावा सामने आया है। अमरीकी मीडिया ने कहा है कि B-52 बम्बर एक ही रात में 220 अफगानिस्तान तालिबान को शहीद करके पाकिस्तान एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए वापस आया है। प्यारे दोस्तों, अफगानिस्तान इस वक्त मैदान जंग की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, क्योंकि वहां पर हर तरफ इस वक्त तबाही का माहौल है। हर तरफ आपको आग, लाशें बिखरी हुई नजर आ रही हैं। अफगानिस्तान तालिबान ने ऐलान किया है कि अनकरीब वो काबुल के ऊपर अपना मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेंगे। अगर अमरीका, अशरफ गनी और भारत हमें रोक सकते हैं तो रोकें, क्योंकि अगर वो ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो हम भी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। प्यारे दोस्तों, अफगानिस्तान फोर्सेस की बड़ी तादाद अफगानिस्तान तालिबान का हिस्सा बन चुकी है। अफगानिस्तान तालिबान का ऐलान है कि हमारे कैदी छोड़ो, हम 3 मंथ के लिए मुकम्मल तौर पर जंगबंदी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अशरफ गनी किसी किस्म की भी कोई शर्त मानने को तैयार नहीं। इस वक्त अशरफ गनी ने मुकम्मल तौर पर ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।